इधर जो है सारा ये मूड़ा जो है वो आ चुका है फ्राई होके, और अब जो है इसे डाला जाएगा ग्रेवी में। ये देखिए ये 8 पीस जो मूड़ा है ये आ गया है फ्राई होके, ये आ गया मूड़ा। और यहीं पर एकदम पारंपरिक तरीके से, देसी तरीके से लकड़ी के आँच पे बनाया जाता है मछली और भात। पीछे का भीड़ देखिए, सुबह का 10 बज रहा है अभी, 10 सुबह के 10 बजे मछली चावल के लिए दीवानगी है। अच्छा, 50 साल पुराना है? 50 साल पुराना है, हम लोग आज से नहीं बचपन से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब बोरिंग रोड में बहुत सा दुकान नहीं था, मार्केट नहीं था, अपार्टमेंट नहीं था, उस टाइम से हम लोग है दुकान खोले। इधर देख सकते हैं कि जो सारा मछली है वो आ चुका है झोला में, जो है भैया मछली सारा लेकर आए हैं। रोहू मछली होता है ना भैया? जी। अब देख सकते हैं कि जो सारा मूड़ा था, 8 पीस मूड़ा लाते हैं, उसे एक साथ डाला जा रहा है तेल में, क्योंकि इतना सस्ता जो है और कहीं नहीं मिलता है। देख रहे हैं कि मूड़ा का बहुत मतलब दीवानगी है, यहाँ आपके ही प्लेट में देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं कि बहुत शौक से लोग खा रहे हैं मूड़ा चावल। 3 घंटे के आसपास में 15 किलो खत्म। बस बस बस, मंगल छोड़ के। अच्छा, आप मंगल छोड़ के रोज आते हैं यहाँ पे ये मूड़ा चावल खाने के लिए, इतना पसंद है? तो आप लोग अक्सर कमेंट किया करते हैं कि कुछ बोरिंग रोड में हिडन जेम ढूंढिए, कोई सस्ता सा खाना बताइए, आखिर कहाँ से बताएं? मतलब बोरिंग रोड मैक्सिमम जो जगह है वो 5 साल 7 साल 10 साल पुराना है, थोड़ा हाई फाई सा एरिया है, अच्छा अच्छा शॉप है, महंगा महंगा शॉप है, उस तरह का जो ढाबा हम लोग कवर करते हैं, छोटा छोटा जो जगह कवर करते हैं जो कि बहुत पुराना होता है, वैसा शॉप यहाँ मिसिंग है। बट आज फाइनली ऐसे एक जगह को ढूंढे और उसके बारे में आपको बताने वाले हैं और मछली चावल आज आपको दिखाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग हैं बोरिंग रोड में, बोरिंग रोड उधर है हड़ताली मोड़, हड़ताली मोड़ से आप आगे बढ़ते हैं बोरिंग रोड चौराहा की ओर, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा LIC का ऑफिस, और उसके बिल्कुल सामने एकदम छोटा सा दुकान है, राधे होटल नाम है, और 40 साल से भी ज़्यादा पुराना ये जगह है, और सिर्फ मछली चावल मिलता है, कोई चिकन नहीं, कोई मटन नहीं, कोई वेज खाना नहीं, सिर्फ मछली चावल। तो मेरे हिसाब से पटना में पहला ऐसा कोई शॉप हम लोग आज कवर करने वाले हैं जहाँ पर कि सिर्फ मछली चावल मिलता है और अच्छे क्वांटिटी में मिलता है, बस 3-4 घंटे का दुकानदारी है, बाकी मामला साफ। तो मेकिंग भी दिखाएंगे, अभी हम लोग इंट्रो लेट शूट कर रहे हैं, 10 बजे के आसपास आए हैं, 10 बजे से जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है, बट हम लोग पहले से आए हैं, थोड़ा बनने वाला चीज़ जो है वो भी कवर किए हैं, तो अब आप वो इन्जॉय कीजिए, उसके बाद हम लोग आएंगे शॉप पे, खाएंगे और बताएंगे कि एक्चुअल में ये हिडन जेम है कि नहीं, टेस्ट में वो बात है कि नहीं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पीछे वाले साइड, यहीं पर जो है जो चावल मछली ये सब भैया बनाते हैं, सारा जो बनाने का सेटअप यहीं पर है, और आपको देख के एकदम विंटेज वाला फील आ रहा होगा, गांव वाला जो फील है वो आ रहा होगा। इस तरह से मिट्टी का ये चूल्हा है और लकड़ी के आँच पर जो है सब कुछ बनाया जा रहा है, कैसे कैसे जुगाड़ करके सेट किए हैं और नीचे लकड़ी वकड़ी डाले हैं और उसी पे सारा काम जो है वो हो रहा है, एकदम गांव वाला फील आ रहा है। ऊपर का हालत देखिए, देखिए ये इतने दिन से यहाँ खाना बन रहा है तो इस वजह से पूरा काला 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 जो है ये हो चुका है। और यहीं पर एकदम पारंपरिक तरीके से, देसी तरीके से लकड़ी के आँच पे बनाया जाता है मछली और भात। तो इधर देख सकते हैं कि जो सारा मछली है वो आ चुका है झोला में, जो है भैया मछली सारा लेकर आए हैं। रोहू मछली होता है ना भैया? जी। 10 बजे से चालू हो जाता है मेरा खाना। और कितने बजे तक? 2:30-3 बजे तक, जितना माल है मेरा बिक जाता है हम बंद कर देते हैं, उसके बाद नहीं लाते हैं। मतलब 4 घंटे का ही दुकानदारी है? हाँ, 4 घंटे में सारा अपना मछली बेच दिए, काम खत्म। जी। अब जो है इधर एक साफ़ पानी जो है वो रखा गया है, अच्छे से पहले जो है मछली को वॉश किया जा रहा है और उसके बाद इधर रखा है। इसका रेट क्या होता है भैया पर पीस? 25 रुपये पीस है सर। मूड़ा का भी वही रेट है? मूड़ा का 50 रुपये है, मूड़ा पूरा रहता है ना। अच्छा, इसका रेट डबल है। जी। हम देख रहे हैं कि अभी आप मछली धो रहे हैं, अभी से ही कस्टमर लोग आके आपके खड़े हैं। जी। पूछ रहे हैं कि मछली कितना समय अभी है। जी। तो आप देख सकते हैं कि अभी 9:30 बजे, अभी बस मछली को वॉश किया जा रहा है और अभी से ही जो है कस्टमर लोग आके मछली का पूछ रहे हैं कि कितना वक्त लगने वाला है, लोग आके यहाँ पर खड़े हैं और अभी मछली फ्राई भी नहीं हुआ है। तो चावल जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है, अब जो इसका पानी जो है वो निकाला जाता है, पसाया जाता है और अब जो है मछली को करना है फ्राई। सारा मछली जो है उसे धो लिया गया है और सेटअप आप देख सकते हैं, ये दुकान वाला सेटअप नहीं है, पीछे में हम लोग आए हुए हैं, यहीं पर जो है बनाने का काम होता है, उधर जो है सारा लकड़ी का स्टॉक जो है वो रखा गया है, लकड़ी को जला के उसी पे काम जो है वो होता है। सबसे पहले जो है इस तरह से चावल को पसाया जाएगा, चावल को पहले रेडी कर लेते हैं। मसाला भैया बताएं कि सुबह सुबह ही रेडी हो जाता है, तो मसाला हम लोग अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं दिखा पाएंगे कि कैसे बनता है। तो नेक्स्ट अब जो है मछली को फ्राई करना है, सरसों तेल को डाला जा रहा है और सरसों तेल का क्वालिटी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कोई यूज़ किया हुआ तेल या कुछ भी डाल दे रहे हैं, रेट कम है बट क्वालिटी जो है जो होना चाहिए बस वो क्वालिटी आपको दिया जा रहा है।
तो अब जो है चावल बन गया और भैया जो है शॉप पे चावल को लेकर जा रहे हैं। आप लोग भैया रेगुलरली यहीं पे खाते हैं? आप लोग एकदम पहले से ही, हमको लगता है 1 घंटे से आके इंतजार कर रहे हैं आप मछली का। कितने दिन? हाँ यहीं से खाते हैं हम तो, 3 साल से खा रहे हैं। बढ़िया लगता है टेस्ट? मछली में अब जा रहा है नमक, हल्दी नमक बस, लहसुन का पेस्ट नहीं, लहसुन का पेस्ट रस में रहता है। ठीक है, तो बस हल्दी और नमक मछली में डाला गया, तेल को पूरा खौलाया जा रहा है और इसी गर्मा गर्म तेल में फ्राई होगा। लगभग 15 मिनट तक जो है तेल को एकदम गर्म किया गया, खौलाया गया है। अब जो है इसमें हल्दी नमक मिक्स किए और सीधे इसे खौलते हुए तेल में डाल दिए। तो इधर देख सकते हैं कि जो सारा मछली है वो फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल के सीधे ग्रेवी में जो है मिक्स करना है और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला बैच है उसमें मूड़ा को फ्राई किया जाएगा। अब देख सकते हैं कि जो सारा मूड़ा था, 8 पीस मूड़ा लाते हैं, उसे एक साथ डाला जा रहा है तेल में। ये देखिए अब हम लोग आ चुके हैं जो शॉप है वहाँ, और देख सकते हैं कि ये जो सारा ग्रेवी था ये पहले से ही तैयार करके यहाँ रखा हुआ था। कस्टमर लोग इधर देखिए, लोग आके लाइन से खड़े हैं, पैसा ले के खड़े हैं कि जल्दी जल्दी हमको दीजिए। शॉप का जो टाइम है वो स्टार्ट हुआ भी नहीं है। पूरे पटना में ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये 50 साल पुराना दुकान है। अच्छा 50 साल पुराना है? 50 साल पुराना है, हम लोग आज से नहीं बचपन से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब बोरिंग रोड में बहुत सा दुकान नहीं था, मार्केट नहीं था, अपार्टमेंट नहीं था, उस टाइम से हम लोग हैं दुकान खोले हुए। नहीं, अगर 50 साल पुराना तब तो उस वक्त कुछ नहीं होगा यहाँ पे? नहीं होगा कुछ, नहीं टाइम इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट दुकान सब खुल गया, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ करता होगा। कुछ नहीं था, अभी भी जो यहाँ खाना खा लिया वो पूरा होटल पटना में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, आप ये बात है, ये यहाँ खाइए, उसके बाद खा के आप देखिए, उसके बाद बताइए। शुरू से बस मछली चावल ही मिला और कुछ नहीं? मछली चावल ही हम लोग बेच रहे हैं। हाँ। और हम लोग पूरा बाबा से बेच रहे हैं, अभी तक हम लोग बेटा है उनकी। अच्छा। अभी हम लोग चला रहे हैं और अभी चलेगा ही जब तक हैं हम लोग, अब आगे का आगे देखा जाएगा। नहीं, आगे भी चलेगा ऐसा कहे है, मतलब 50 साल से दुकान चल रहा है और शुरू से बस मछली चावल, कोई मटन चिकन अंडा कुछ नहीं? कुछ नहीं, सिर्फ मछली चावल। और जो भी बगल में भी 2-2 होटल है, लेकिन हम लोग 15 किलो मछली पर डेली बेचते हैं, बगल में 2 किलो मछली आता है, शाम तक नहीं बिकता है। अच्छा। ये स्वाद के ऊपर है, आप खा के देखिए, उसके बाद स्वाद आपको पता चलेगा कि कैसा खाना बनता है। आपका तीन चार घंटे में 15 किलो खत्म? हाँ, 2 बजे तक दुकान बंद हो जाएगी मेरी, 2 बजे तक कोई अथि नहीं है। 3 घंटे के आसपास में 15 किलो खत्म? बस बस बस, हम लोग का परमानेंट कस्टमर है सब। इधर जो है सारा ये मूड़ा जो है वो आ चुका है फ्राई होके और अब जो है इसे डाला जाएगा ग्रेवी में। ये देखिए, ये 8 पीस जो मूड़ा है ये आ गया है फ्राई होके। इसका रेट भैया 50 रुपये होता है ना? जी। और नॉर्मल का 25 रुपये? जी। चावल का क्या बताया, 10 रुपये? जी। 1 पीस मूड़ा 1 प्लेट चावल का 60 रुपये होता है, 2 पीस मछली चावल का 60 रुपये होता है। मूड़ा 2 पीस मछली चावल का 60, 1 पीस मछली चावल का 40, 1 पीस मूड़ा चावल का 60 रुपये, 1 पीस मछली चावल का 40। तो यार देख सकते हैं कुछ भैया लोग हैं जो कि मूड़ा चावल जो है बहुत मन से, बहुत प्रेम से खा रहे हैं, तो जिस तरह से आप खा रहे हैं वो देख के लग रहा है कि बहुत पसंद आता है। हाँ हाँ, बहुत पसंद है ये मूड़ा, मछली का मूड़ा जो है, चावल जो है। हाँ। ये प्रसिद्ध है यहाँ नहीं, मिथिला में तो और भी प्रसिद्ध है। हाँ हाँ। और मिथिला के लोग मूड़े और चावल जो है बहुत पसंद करते हैं। आप वहीं के हैं? बेसिकली हम भागलपुर के हैं। अच्छा। लेकिन एरिया लगभग वही पड़ जाता है, इसलिए इतना पसंद है आपको। और यहाँ का टेस्ट कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, सस्ते में बहुत अच्छा, क्योंकि इतना सस्ता जो है और कहीं नहीं मिलता है। देख रहे हैं कि मूड़ा का बहुत मतलब दीवानगी है यहाँ, आपके ही प्लेट में देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं कि बहुत शौक से लोग खा रहे हैं मूड़ा चावल। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी मतलब रेगुलरली खाते रहते हैं? रोज इस समय यही खाते? रोज मंगल छोड़ के? अच्छा, आप मंगल छोड़ के रोज आते हैं यहाँ पे ये मूड़ा चावल खाने के लिए? इतना पसंद है जी, क्या बात है, एंजॉय कीजिए आप, थैंक यू सो मच। मछली चावल कैसा लगता है यहाँ का? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ लकड़ी पर बनता है मछली चावल, इसलिए कुछ स्वाद भी थोड़ा अच्छा लगता है, हम लोग के खाते हैं लकड़ी का जो आँच पर बनता है, इसीलिए लकड़ी के आँच पर बनता है, इसलिए ज़्यादा स्वाद इसमें बढ़ जाता है। कब से खा रहे हैं आप? हो गया हम लोग तो 12-13 साल से खा रहे हैं। 13 साल से खा रहे हैं मछली चावल, पसंद आता है? बहुत अच्छा।
ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट बनता है यहाँ। अच्छा, एक और डिस्क्लेमर जो है वो दे दे कि ये अभी जो है यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चल रहा है, तो ये रोड थोड़ा डिस्टर्ब है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग आने में इशू है कि नहीं, उसी हिसाब से आइएगा। यहीं पर जो है ये शॉप है और जगह भी आप देख सकते हैं किस तरह का जगह है, तो जिन्हें परहेज है ऐसे जगह पर बैठ के खाने में वो अपना देख ले, जिन्हें इस इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, सस्ते में खाना है वो यहाँ आए। हम लोग भी अपना जो है खाना लगवाते हैं। ये आ गया चावल, कम 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 और कम और कम और कम। अब जाएगा इसमें एक पीस मूड़ा, और यहाँ कटोरी वटोरी का सिस्टम नहीं, सीधे चावल पे जो है मछली को डाला जाता है, रस डाला जाता है। ये आ गया मूड़ा। तो इधर आ चुका है हमारा ये 60 रुपए का मछली चावल का प्लेट, जिसमें कि आपको मिलता है ये बड़े से साइज का मूड़ा। ये एक काफ़ी है, मतलब ये 60 रुपए में भरपेट चावल हम लोग कम करवा लिए, चावल इससे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तो एक आदमी के लिए मोर देन सफिशियंट है। अगर आपको मूड़ा नहीं खाना है, नॉर्मल पीस लेना है, सिर्फ 40 रुपए दीजिए, मछली चावल मिलेगा आपको सिर्फ 40 रुपए में, तो उससे बेटर डील क्या आपको दिया जाए। 25 रुपए पर पीस मछली, 40 रुपए में एक पीस मछली चावल, 60 रुपए में दो पीस मछली चावल। अब किया जाए ग्रेवी के साथ सबसे पहले मछली चावल को टेस्ट। चावल मोटा वाला है, उसना चावल है, ग्रेवी जो है एकदम चटक मटक है, हल्का सा नमक जो है तेज़ रखे हैं, बाकी मसाला भी थोड़ा तेज ही है। मज़ा आया, बिहारी स्टाइल का मछली है। मछली जो है, ग्रेवी जो है बेसिकली थोड़ा पतला है, जो कि मछली चावल में होता है, मछली में होता है, लेकिन मसाले में कोई कमी नहीं, भरपूर मसाला। बता रहे हैं कि आज भी हाथ से मसाला पीसते हैं, तो वो जो स्वाद 40 साल पहले देते होंगे आज भी बरकरार रखे हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग दौर पोर करते हैं। ये देखिए, सारा तो खजाना है वो अंदर में होता है, खजाना में से थोड़ा सा हम लोग माल जो है वो निकालते हैं बाहर। अब इसे करते हैं टेस्ट। अंदर तक जो है मूड़ा फ्राई है, अंदर तक इसका अपना एक अलग स्वाद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वाद। हल्का सा, जैसा कि आपको बताएं, मिर्च मसाला नमक जो है वो तेज है, बिल्कुल जैसा लोग पसंद करते हैं, बिहार के लोग पसंद करते हैं वो चीज़ है। तो अनडाउटेडली हिडन जेम का जो एक ताज है वो इस जगह को दिया जा सकता है। पीछे का भीड़ देखिए, सुबह का 10 बज रहा है अभी, 10 सुबह के 10 बजे मछली चावल के लिए ये दीवानगी है यहाँ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगले 2-3 घंटे में मामला जो है साफ रहने वाला है, और कोई बैठ के मछली चावल इंजॉय कर रहे हैं, और ना कोई आपको बहुत बड़ा होर्डिंग मिलेगा, ना कोई बहुत बड़ा बैनर मिलेगा, ना बोर्ड मिलेगा, नाम पे चल रहा है, इतने लोग जान रहे हैं, वो दूसरे को बता रहे हैं, खाने आ रहे हैं, बस यही सिस्टम है यहाँ, बाकी कोई मार्केटिंग कुछ नहीं। मज़ा आया। तो कभी भी आपको मन करता है मछली चावल खाने का मसालेदार वाला, और इस तरह के जगह पे आके बैठ के खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़रूर आइएगा इस जगह पर। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो। कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, ये जगह के बारे में आपको पहले से पता था कि नहीं, अगर नहीं पता था, कम रेट में मछली चावल खाना है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।